वेलकम टू माई चैनल, दिस इज मी भवन। आई एम अ 12th ग्रेडर। अब मैं स्कूल से आई हूँ और तुम लोगों को बता देती हूँ, कल मेरे दो टेस्ट होने वाले हैं। एक तो मैथ्स का होगा एंड एक मेरा केमिस्ट्री का होगा। तो पहले मेरे मैथ्स में याद करो, पिछले व्लॉग में तुम दिखाया था कि मेरे मैथ्स में एक नंबर आया है एंड जिनके नंबर कम थे, मतलब ऑलमोस्ट सबके कम थे, तो उन सब का टेस्ट होने वाला है और मेरा भी होगा क्योंकि मेरे भी कमी थे। एक्चुअली हमारी पूरी क्लास में लाइक दो बच्चों को छोड़ के बाकी सबके कमी थे, तो बाकी सबका टेस्ट होगा बस दो बच्चों को छोड़ के। तो हाँ, हमें वही चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही। तो देखते हैं यार, मैं प्रिपेयर तो कर रही हूँ, अभी मैं प्रिपेयर करूँगी पहले मैथ्स का एंड देन उसके बाद मैं केमिस्ट्री का स्टार्ट करूँगी। केमिस्ट्री का तो वीकली टेस्ट है, सभी का होने वाला, तो वीकली टेस्ट में हमारा दो चैप्टर आ रहे हैं भाई, दो चैप्टर भाई साहब, लिटरली पता नहीं क्या होने वाला है, बट स्टिल आएंगे, करना तो पड़ेगा, तो वो भी करेंगे, पहले मैथ्स का करते हैं। तो लेट्स गो गाइस। वैसे तो मैं यहाँ पे अपने मैथ्स का ट्यूशन का काम कर रही थी, बट ट्यूशन पे भी हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा था, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड उसी का ही टेस्ट होने वाला है। तो जो क्वेश्चंस मेरे को ट्यूशन पे मिले थे, मैंने सोचा कि मैं वही कर लेती हूँ। चलो यार, जितना ट्यूशन पे करवाया जा रहा है उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। यू से कि टाइमिंग मेंशन कर दिया करो कि किस टाइम तुमने क्या करा, बट मैं भूल जाती हूँ, तो इस करके मैं ऐसे बता देती हूँ कि मेरा लाइक एवरेज में क्या प्लान रहता है मोस्टली। ओके, तो मैं सुबह अराउंड 6:30 उठती हूँ इन एवरेज, मतलब लाइक जब स्कूल होता है तब मैं 6:30 पे उठ जाती हूँ एंड देन उसके बाद मेरे को स्कूल जाना होता है, मेरी बस आती है 7:15 पे, देन मैं बस में बैठती हूँ एंड देन स्कूल में जाती हूँ। देन स्कूल में हमारे इन टोटल सिर्फ 5 लेक्चर्स लगते हैं गाइस एंड हर एक लेक्चर ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स का होता है। प्रेयर जो होती है एंड रिसेस होती है वो अलग, एंड हमारी 11:30 पे छुट्टी हो जाती है स्कूल से अभी गर्मियों में, एंड या फिर मैं 12 बजे तक पहुँच जाती हूँ घर पे। घर पे आके मैं लंच वगैरह भी करती हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 बज जाता है मेरे को जब मैं सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करती हूँ। मैं 4 बजे तक सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ एंड फिर मेरी ट्यूशन होती है 4 से 6 एंड बीच में यू नो आने जाने का भी टाइम काउंट कर लेना तुम लोग कि हाँ आने जाने में मतलब। फिर मेरा ये रहता है कि मैं 6:30 बजे ऑलमोस्ट बैठती हूँ फिर से पढ़ने के लिए एंड या फिर मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ थोड़ी, और तो लाइक ट्यूशन का भी काम करना होता है एंड स्कूल का होमवर्क भी करना होता है, तो वो भी काउंट कर लेना। बाकी तुम लोगों को पता है कि मैं टीवी वगैरह भी देख लेती हूँ एंड वीडियो भी एडिटिंग करनी होती है मेरे को, तो बीच में मैं कई बार वो भी करती रहती हूँ। तो हाँ, ये था मेरा पूरा की पूरा शेड्यूल। हाँ, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, ये नहीं कि मैं लाइक 10-10 घंटे पढ़ती हूँ ये ऐसा कुछ, बट हाँ था ठीक ठाक। एंड तुम लोग भी अपनी क्लास मेंशन करके अपना शेड्यूल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और हाँ, संडेज़ का शेड्यूल थोड़ा सा अलग रहता है या फिर हॉलीडेज़ का शेड्यूल थोड़ा सा अलग रहता है, जिसमें मेरे को घर पे लाइक रहना होता है, तो मैं लेट ही उठती हूँ सुबह एंड फिर मैं लेट ही पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। बाकी तो यार मैं व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ अपना वीकेंड्स तारी व्लॉग, वो तो तुम लोगों को पता ही है। इस क्लिप में मैं कर रही थी केमिस्ट्री, लाइक केमिस्ट्री का टेस्ट थोड़ा सा सीरियस होता है, मैं सही बता रही हूँ, अब तो हो चुका है मेरा टेस्ट भाई। सभी लोग ना फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर में केमिस्ट्री पढ़ी जा रहे थे, बिकॉज लाइक एवरीवन वाज सो स्कैर्ड, इवन मैं भी कॉपी खोल खोल के देखी जा रही थी, रिएक्शंस को निहारी जा रही थी। कैसे चेंज हो गया ग्लो थिंग, एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरी जो अभी जो पहले मैंने थोड़ी देर पहले ड्रेस पहन रखी थी वो फट चुकी थी यहाँ से, मैंने देखा एंड शुक्र मैंने देख लिया, मेरे को ट्यूशन जाना था तो मैंने जल्दी से चेंज किया एंड ये वाला वाइट वाला मेरे को मिल गया था, तो मैंने ये वाली टी शर्ट पहन ली एंड चलो मैं चलती हूँ ट्यूशन एंड ट्यूशन से वापस आते हैं बात करते हैं। गाइज़, मेरे को तुम्हें एक बहुत ही बुरा सा अपडेट देना था। एक्चुअली मेरी जो है ना ट्यूशन, लाइक मेरी दो ट्यूशन्स होती हैं, एक मैथ्स की एंड केमिस्ट्री की, एंड वो ना आसपास थी, मतलब जैसे यहाँ पे अगर केमिस्ट्री की है तो बिल्कुल इसके साइड में ही मैथ्स की थी, तो जैसे मैं केमिस्ट्री की ट्यूशन से निकलती थी 5 बजे एंड फिर मैं 5 बजे यू नो मैथ्स की ट्यूशन चले जाया करती थी पास में जो थी। बट अब क्या हो गया ना कि केमिस्ट्री की ट्यूशन मेरी शिफ्ट हो रही है एंड मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का, बिकॉज़ वो बहुत दूर है मेरी मैथ्स की ट्यूशन से एंड मेरे को यू नो एक और बार मुझे साइकिल चला के जाना पड़ेगा। ओके, एंड यू नो व्हाट, मेरा लाइक एक बार ही चलाने में मेरा साइकिल मेरा सिर सा घूम जाता था, बिकॉज गर्मी तो इतनी हो रही है, ऊपर से मेरा सर घूम जाता है, तो फिर मैं इसे घर पर आके सेल्फ स्टडी नहीं करी जाती बिकॉज सिर दुखता है, और तुम लोगों को पता ही है कि मैं इतनी यू नो स्ट्रांग भी नहीं हूँ, वीक सी हूँ, तो भी नहीं चलाई जाती यार मेरे पे इतनी साइकिल एंड अब मुझे शायद एक ट्यूशन हटानी पड़ेगी। मैथ्स की तो मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ बिकॉज मैथ्स मेरा पहले से ही वीक है एंड केमिस्ट्री का मैं थोड़ी सी बात करूँगी, चलो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ क्या करना है और देखते हैं यार मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। मेरे को याद आ गया था कि मई स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे कैलेंडर में अप्रैल से मई लगाया, तो
हो गया यार मेन स्टार्ट। और बाकी तो तुम लोगों को पता ही है कि हमारा रोज़ का होता है कि प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो ये वाली बुक वाले क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर रही थी। अगर किसी को नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक मैंने ली है दोनों, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, एंड मैं वो कर। मेरे वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं पहले के रिस्पेक्ट पे, वो क्या होता है ना यार टाइम नहीं मिलता बीच बीच में वीडियो शूट करने का, तो या तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वंस। बाय गाइस, टेक केयर।